मैं सबके लिए यही चाहता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में खुशी रहे, पैसा रहे और उनकी सेहत बनी रहे। सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे फैंस और सारे दर्शकों के लिए हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सच कहूँ तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे आसपास के लोगों को होती है और मुझे वो चीज़ की बहुत खुशी होती है, क्योंकि अक्सर बर्थडे पे एक्साइटमेंट हमें खुद को होता है, बट उससे ज़्यादा मेरे दोस्तों को होती है, ऑफकोर्स वाइफ को होती है, मॉम को होती है। तो उनके चेहरे पे वो जो खुशी होती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा बर्थडे नहीं उनका बर्थडे है, और ये फीलिंग मैं चाहता हूँ कि हमेशा रहे, कि मेरा बर्थडे कम मनाया जाए और उनके बर्थडे ज़्यादा, उन्हें ज़्यादा लगे कि उनका बर्थडे है। तो मेरे लिए वही खुशी की बात है। एंड शुरू हो गई थी, काउंटिंग चल रही थी और अच्छा लग रहा था कि वो काउंटिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल है, मेरा बर्थडे है। तो बेसिकली दिन देखने जाए तो एक ही है 365 डेज में से, बट वो एक दिन पे जब बॉर्न हुआ था इसलिए उनके लिए स्पेशल है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि खुद से ज़्यादा खुशी जब किसी और को दुगनी खुशी होती है। एक्चुअली सच कहूँ तो मैं सेलिब्रेट नॉर्मली बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ, फैमिली डिनर करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, थोड़ा बच्चों के बीच में, गरीबों के बीच में, तो छोटे छोटे उनके लिए सारी चीज़ें, केक वेक उनके लिए लेके जाता हूँ। तो मेरे लिए वो एक्चुअल सेलिब्रेशन है और वो मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे बर्थडे के दिन अगर मैं किसी को खुशी दे सकूँ जो अनजान है तो मेरे लिए वो ज़्यादा खुशी की बात है। और शांति से जाता हूँ, उनको केक खिलाता हूँ, उनको चीज़ें बांटता हूँ, तो वो मुझे खुशी देती है। तो जो चीज़ मुझे खुशी देती है मैं ये मानता हूँ कि हमें वो करनी चाहिए, तो मेरे सारे लोग भी वही करते। फिर नहीं, मेरे मतलब बहुत सारे फैंस ने मुझे ऑलरेडी काउंटर पे रखा हुआ है कि बर्थडे फोर आवर्स टू गो फॉर द बर्थडे, फाइव आवर्स टू गो फॉर द बर्थडे। तो मैं उन सबको रिप्लाई करता हूँ, काफ़ी वक्त लग जाता है, बट सबको पर्सनली मैसेज करता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। बिकॉज जब आप एक ग्रुप मैसेज करते हो और एक पर्सनल मैसेज करते हो थोड़ा एक फ़र्क होता है उसमें। तो जैसे वो मुझे स्पेशल फील कराते हैं, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि हर मैसेज को रिप्लाई करके उन्हें वो स्पेशल फील कराओ कि येस आई हैव एक्नॉलेज्ड योर विशेज एंड फील ब्लेस्ड। इस साल और लास्ट ईयर में इतना चेंज आया कि करियर वाइज दो फिल्म्स करी है एंड टेनिस प्रीमियर लीग सीजन 2 कम्प्लीट किया है, एंड ऑफकोर्स थिंग्स काफ़ी बैलेंस्ड हैं और सेकेंड फिल्म रिलीज पे है। तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ इन माई करियर एंड माई पर्सनल लाइफ, एंड हैव अ वेरी स्मॉल फैमिली एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, सो अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं एक्सपेक्टेशन कभी भी रखता नहीं हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन सरप्राइजेज एंड एट टाइम्स आई फील इफ़ ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट करो आप तो आप डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हो, और अगर नहीं एक्सपेक्ट करके कुछ चीज़ें मिल जाती है तो उस खुशी की कोई कंपेरिजन नहीं है। तो आई फील दैट wishing is something which I expect the most, and if I get that I feel happy कि किसी ने वक्त निकाल के मुझे पर्सनली फ़ोन करके विश किया है, तो आई थिंक सो दैट्स मोर देन इनफ। ऑफकोर्स मैं बस मतलब इंडोनेशिया इज़ द बिगेस्ट प्लेस वेयर आई हैव गॉट सो मच फैन एडल्टरेशन एंड बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे इंडिया कुरियर आए एंड अर्मेनिया से भी अभी आने लगे हैं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि जब आप किसी को जानते नहीं हो बट आप वो आपका फ़ैन है और आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है, तो मेरे लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा प्राइसलेस है एंड इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी कि बिना किसी को जाने पता किए आप उतना एफर्ट लेते हो कि वो आप अपना मैसेज, आप अपनी दिल की फीलिंग्स उस तक पहुँचाते हो। तो वो जब वो मेरे लिए करते हैं तो आई फील आई एम जेन्यूनली ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं आपके काम को पसंद किया गया है, आप किसी के चहेते बने हो। तो वो एक बनाना जगह बहुत मुश्किल होता है, तो एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन आई फील इट्स रियली गुड। 10 बार भी कहूँ तो भी कम है,
शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतने साल सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं अपने काम से आपका मनोरंजन करते रहूँगा और आने वाले सालों में अगर आपकी दुआओं के साथ और अपनी मेहनत के साथ आगे सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाऊँगा। थैंक यू सो मच।